बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नमस्कार। इमरान खान की जान को खतरा है, ऐसा क्लेम कर रहे हैं इमरान खान। एक स्पीच जो उन्होंने कल दी, उस स्पीच में बोला कि मेरी जान को खतरा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि इमरान खान के घर में के अंदर टेररिस्ट है। अब कौन टेररिस्ट है, कैसे टेररिस्ट है, पाकिस्तान में तो हर गली में टेररिस्ट घूमते हैं अगर इंडिया की मानी जाए तो, और अगर हर गली में घूम रहे हैं तो इमरान खान के घर में कौन से स्पेशल टेररिस्ट घूम रहे हैं, ये भी ढूंढना जरूरी था। और दूसरी चीज, इमरान खान ने बोला कि मेरी घर में मेरी वाइफ है जो कि पर्देदार है और ये लोग आर्मी के साथ घुसना चाहते हैं मेरे घर में और मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये भी बोला, ट्वीट करके बोला कि ये मेरा आखिरी ट्वीट हो सकता है अरेस्ट होने से पहले। इसी पे बात करने के लिए पहली सरकारी फॉर्म ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान में रह चुके हैं और इस समय है पाकिस्तान से बाहर, कौन से कंट्री में है ये मैं नहीं बता सकता, मुझे पता भी नहीं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली चीज कि ये इमरान खान को मारना कौन चाहता है, ये मैं बहुत दिन से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं बताता। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप चाहते हो किसी को मारना तो इट इज नॉट अ हार्ड थिंग टू डू। आपने देखा भाई, बेनजीर को मार दिया गया, ज़ियाउल हक़ को उड़ा दिया गया, कौन किस किस को नहीं मार दिया गया, सलमान तासीर को मार दिया गया, कौन बचा है वहां पर, वो जो साबरी जो थे हमारे उनको मार दिया गया, वो सिंगर जो थे, जिसको मारना होगा रहेंगे वो मार देते हैं। ये बस मैं क्या बोलूँ, ये बस एक गाना गाया हुआ है, बस कब से मुझे मारना है, मुझे मारना है, मुझ पे गोली चला दी, गोली कहाँ लगी, पाँव पे लगी, दिखा नहीं, कुछ नहीं। सो मैं ये नहीं कहती कि शायद उनकी जान को थ्रेट नहीं हो, आई एम श्योर कुछ लोग होंगे ऐसा जो मारना चाहते होंगे, मगर इमरान खान को मारना इस वक्त इट्स लाइक अ ह्यूज मिस्टेक। अगर उनको कर दिया तो अभी उनको अरेस्ट किया तो आपने देखो क्या हाल किया है इन्होंने, जो बेनजीर की मर के बाद हुआ था उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा जो है ना आपका मुल्क जो है वो जलेगा उसके बाद। सो इफ दे वांट टू डू दैट देन दे विल डू इट, मगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मगर ढंडोरा ज्यादा पीटा हुआ इमरान खान ने, ही नोज, इमरान खान को ये पता चल गया है क्योंकि वो एक तो सबसे पहले कि वो शोबिज कह रही हूँ स्पोर्ट्स में रहे हैं, मार्केटिंग करते रहे हैं, अपने आप को प्रमोट करते रहे हैं, सो ही नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स कि किस तरह से आपने अपने आप को पब्लिश करना है, किस तरह से पब्लिक के सामने आना है, किस तरह मार्केट करनी, किस तरह से न्यूज में रहना है हर वक्त। So you see, पाकिस्तान न्यूज में इमरान खान हर वक्त ट्रेंडिंग में रहते हैं, his PTI is always trending, कोई ना कोई न्यूज चलती ही रहती है। So his all the focus of Pakistan right now is on only on इमरान खान। For how long? कितने अरसे से सिर्फ फोकस पाकिस्तान का सिर्फ इमरान खान के ऊपर हुआ हुआ है, आप देखिए ना किसी और चीज पे बात नहीं हो रही है। सो दैट इज वॉट ही इज डूइंग, ही इज जस्ट क्राइंग वुल्फ, वो बोल रहे हैं ना मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, और फिर अब वो बात ऐसी हो जाएगी लोग उसकी परवाह नहीं करेंगे और जब वाकई में कोई मारना चाहेगा ना कोई नहीं आएगा बचाने के लिए फिर। राइट, अच्छा नहीं एक चीज और है, मतलब डेवलपमेंट तो इमरान खान ने दिखाया है, जो आदमी दो हफ्ते पहले आटे की लाइन में लगा था वो स्ट्रॉबेरी खा रहा था तो फर्क तो था, और वो क्या बोलते हैं उसे कोरमा लेके जा रहा था, ढूंढा जा रहा है सबको, जो स्ट्रॉबेरी जिसने स्ट्रॉबेरी खाई ना सबको पकड़ के अंदर किया जाएगा, वो जो मोर लेके गया था उसे तो अरेस्ट कर लिया, मोर वाले को अरेस्ट कर लिया, बाकी सब कबूतर तीतर जो पकड़े थे ना सब पकड़े जाओगे, सब पकड़े जाओगे। अच्छा एक क्वेश्चन और, इमरान खान आज क्या, मैं ये देख रही थी जो ये वीडियो आप बात कर रहे हैं तो मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने कहा कि भाई अभी तो सारा दिन प्रोटेस्ट करना है, पाकिस्तानी कितने स्मार्ट होते हैं, उन्होंने कहा बाकी चीजें छोड़ो अभी खाने का इंतजाम करते हैं, बाद की बात देखी जाएगी। ये जो मेंटेलिटी है ना कि आगे के फ्यूचर की नहीं सोचनी, आज का खाना खा लो आगे का नहीं सोचा। मैं होती ना तो मैं कोई ज्वेलरी ढूंढती, कोई ऐसी चीज ढूंढती जिसको मैं बेच के एक महीने का खर्चा निकालूं। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कहा स्ट्रॉबेरी पकड़ लो आज, अभी का तो इंतजाम हो जाएगा ना, बाद की बाद में देखेंगे हम। सो दिस इज द मेंटालिटी हो गया। नहीं नहीं ईमानदार लोग हैं, किसी और की ज्वेलरी पे नजर नहीं रखते हैं, स्ट्रॉबेरी लेके चले गए बस, बहुत है कोरमा स्ट्रॉबेरी केले इससे काम चल जाता है, और ये चीज थी। अच्छा इमरान खान आज बहुत सब्ड्यूड दिखे, उन्होंने ये भी बोला कि हमने कभी वायलेंस नहीं की, हमने कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन एब्रप्ट एंड मीन्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था इसमें। इमरान खान
ऑफ कोर्स इट इज अ वॉर बिटवीन इमरान खान एंड आर्मी, आर्मी और इमरान खान के इस टक्कर में जीतेगा कौन? मुश्किल है कहना. आई थिंक देखें, हर चीज का एक उरूज होता है और हर चीज की एक डिक्लाइन आती है, राइट. बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पर एम्पायर्स आई, गिर गई. ब्रिटिश एम्पायर थी, कितनी बड़ी थी, वो गिरी कि नहीं गिरी. हर किसी का एक उरूज होता है और एक डिक्लाइन होता है. तो पाकिस्तानी आर्मी, यू हैव सीन के कब से उरूज पे है, कब से चला रही है, कब से कर रही है, ये चीज एक ना एक दिन तो होनी ही थी. पहले ये था कि भाई लोग आर्मी के बारे में बोलते थे, उनको उठा के ले जाते थे. ये तो इमरान खान वाकई में इन्होंने एक चीज तो की है कि लोग अब आर्मी के बारे में ओपनली, यानी किसने सोचा था कि इस तरीके से कोर कमांडर के घर में घुस के कोरमा चढ़ाएंगे, किसने सोचा था कभी. आप बात करते तो आपको उठा के ले जाते थे ये लोग. सो इसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा. कौन जीतेगा? आई थिंक, आई माइट थिंक कि इमरान खान जीत जाए इस दफा, क्योंकि अब इमरान, हर किसी को पता चल गया है आर्मी की असलियत. सो देन एवरीबडी, सिर्फ वो ही नहीं, सिर्फ पीटीआई वाले ही नहीं, देयर इज ऑल अदर काइंड ऑफ अदर पार्टीज एंड अदर पीपल दैट आल्सो नो कि पाकिस्तान का ये हशर जुआ हुआ है इसी वजह से, क्योंकि फौजी बैठ के खा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और ये पपेट. अब ये चीज सामने आ गई है, राइट. हर किसी के सामने आ गई है, हर किसी बच्चे बच्चे को पता चल गया है इस चीज का. राइट और इमरान खान भी सबजूट दिख रहे हैं, उनके उनके अपने सबसे खास आदमी जो हुआ करते थे फवाद चौधरी, वो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, सामने पुलिस दिखी तो ऐसी रेस लगाई, क्या बेन जॉनसन भाग सकते थे जो वो भागे? जो स्पीड थी उनकी वो ओलंपिक वाली थी, मतलब इनके अपने लोग भागते ही नजर आ रहे हैं आजकल, ये आलम हो गए ना। नहीं, बट क्या करेंगे वो, और करने के लिए क्या ही है. बिकॉज़ दे नो कि इनके पीछे तो पड़े हुए हैं, इनके पीछे केसेस भी लग रहे हैं. और आप ये देखेंगे दूसरी तरह, इससे भी कोशिश तो हो रही है किसी ना किसी तरह इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में ना लड़ने सके. आई सी द सेम काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग इन यूएस. ट्रम्प के साथ भी ऐसे ही चल रहा है, इनके साथ भी ऐसे ही चल रहा है. वो गेम खेली जा रही है, कि किसी को नहीं लाना, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान, देखें, ही इज यूजलेस. जब वो थे उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, राइट. ही इज यूजलेस, आके उन्होंने करना कुछ नहीं है. बट द थिंग इज कि अगर आर्मी को हटा के, अगर पाकिस्तान में से आर्मी का कंट्रोल हट जाता है, देन देयर माइट बी समथिंग बेटर फॉर पाकिस्तान. शायद फिर इमरान खान में भी थोड़ा डिफरेंटली रूल करें. क्यों, मैं इसलिए से ये कह रही हूँ कि जब ट्रम्प भी आया पावर में, या इमरान खान भी आए थे पावर में, तो ये थोड़ी था कि इमरान खान सारी डिसीजंस ले सकते थे. इमरान खान ने कहा कि मैं ये करूंगा, तो पीछे से ऑर्डर आते थे ना. पहले पूछना पड़ता है ना आपको पीछे से कि भाई ये मैं कहने वाला हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, क्या मैं कर लूँ कि नहीं कर लूँ. एंड आई थिंक के फाइट वहीं पे मेरे ख्याल से स्टार्ट हुई है, जहां पे ही वेंट अगेंस्ट द आर्मी, और चंद चीजें इनके फटे हुए ना इसी बीच में, वेर दे वर नॉट ऑन द सेम पेज. तो जब ही तो लड़ाई हुई है इनकी. सो दैट्स एग्जैक्टली कि अगर आपको पीछे जो आपके पपेट, जो आपको पपेट बना के चला रहे होते हैं, अगर आप उनसे भिड़ोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट. तो शायद अगर वो नीचे पीछे बैठे नहीं है चलाने वाले आपको, तो शायद आप डिफरेंट तरीके से चलाओ कंट्री को. फिर मे बी जस्ट थिंकिंग पॉजिटिवली. एक चीज और, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ मैं एक चीज और बोलूंगा कि जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है पाकिस्तान में, भागने की प्रैक्टिस जरूर कर ले। कब भागना पड़े पता नहीं है, कब आपको कोर्ट की ओर भागने, गाड़ी से निकल के भागना पड़े पता नहीं है। अच्छा इमरान खान ये बोल रहे थे कि मेरी बीवी जो है वो पर्देदार है और बड़ी मोमिन है, और उनको आकर के आपने कोर्ट में घसीट दिया, ये सब ठीक नहीं है। ये इस्लाम का चोगा पहन के क्या वो जो जिन वो नचाती हैं वो इस्लाम में अलाउड है? जिन्हों को नचाना, देखिए भाई, सुना ये चीज जो कहनी है भाई, कोई बुर्का पहनती है तो वो ज्यादा अच्छी औरत है, बनिस्बत मैं जो यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ तो मैं खराब औरत हूँ, नहीं. बुरके के पीछे बैठ कर, पर्दे में बैठ कर, उनकी शादी हुई हुई थी जब इन्होंने इमरान खान के साथ शादी की है, इन्होंने तलाक की, दूसरा बंदा फंसा लिया पर्दे के पीछे बैठ के. हम तो यहाँ पे, हमसे एक नहीं फंसता भाई, हम तो एक खुला घूम रहे होते हैं. सीरियसली, वो पत्ते के पीछे बैठ के उन्होंने, और कौन सा बंदा फंसाया जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था. ये देखो आप जरा, गोल्ड डिगर जिसे कहते हैं ना, उसकी मिसाल ही बदल दी इन्होंने. ये तो गोल्ड डिगर तो नहीं, ये तो पूरी क्या कहते हैं वो, कोहिनूर हीरा डिगर निकली है ये. बट ये बस सिर्फ रिलीजन का चोबा इन्होंने भी नहीं पहना हुआ, ये ड्रामे थे इमरान खान के. तो ये आए हैं ना लेकर, वरना इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना, पहले वो गोरी से शादी की, ठीक है, वो बिल्कुल ही ओपन माइंडेड. फिर थोड़ा बीच में आ गए रेहम खान को शादी करके, वो थोड़ा बीच की थी, फिर ये आ गए बिल्कुल ही उस पे, राइट पे. ये गए लेफ्ट सेंटर पर, राइट. सो दिस इज हाउ ही वेंट. अब पाकिस्तान को चलाना है भाई, ये बीवियां तो नहीं चलेंगी. पाकिस्तान ने जमाने को एक्सेप्ट करना था,
रेयाम खान तो फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते, मगर ये तो भाई उनकी मोमिना आ गई, ये तो बिल्कुल पारसी। और फिर इन्होंने कह दिया मुझे मोहम्मद दिखे, प्रॉफिट मोहम्मद दिखे ख्वाब में, उन्होंने कहा इनको इनके साथ शादी करो। सो देयर इज ऑल, ये सारी चीजें निकलने की उसमें है, चाहे आप मोमिना हो, चाहे आप पर्दे में हो, चाहे जो भी है, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा आपको। राइट अच्छा एक चीज और कि ये मैडम जो है ये मोमिना तो सही, लेकिन इमरान खान जो है वो ये 3 शादियों के अलावा एक बच्ची भी उनकी सीता वाइट से जो कि शायद आजकल जमायमा के घर पे पल रही है, तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन देख के ये कितने मोमिन है। मैं अभी एक चीज वीडियो बना रही थी जिसमें मैंने कहा था कि ये वो बात है कि 900 चूहे खा के बिल्ला हज को निकला है, ये परफेक्ट एग्जांपल है इमरान खान की। देखिए यही चीज थी एट वन पॉइंट में इमरान खान को जब ये आ रहे थे पहली दफा, यू नो व्हेन ही वाज रनिंग, आई वाज ऑल फॉर हिम, मुझे इनके इतने पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं था, मैं इतने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी, मगर मैं ये देखती थी कि भाई बंदे का रहन सहन मैं देख रही हूँ, गोरी बीवी है इसकी, बाहर रहता है, पढ़ा लिखा है, सूट बूट पहन के घूमता है, मुझे पाकिस्तान को ही सुधारेगा। हमारी बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान की और इनके, ओ आगे वहां पे मदीने की रियासत बनाएंगे, मैंने वही सर फोड़ लिया अपना, मैं लो ये एक से बंदे से उम्मीद थी, ये भी गया। सो दिस इज ऑल अ ड्रामा, ये सारा इनका ड्रामा है, हिपोक्रेसी इनके खूनों में भरी हुई है, खुद इन पार्टीज करते हैं ये लोग। पाकिस्तान इज ए हिपोक्रेट कंट्री बेसिकली, मैं आपको खुद बता रही हूँ कि टॉप से लेकर नीचे तक का बंदा जो है वो हिपोक्रेट है और वो करप्शन कर रहा है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो ना मोमिन हो, मोमिन हो जहां होते हुए भी, जाने ना जानते हुए भी वो कोई ना कोई ना हिपोक्रेसी कर ही रहा होगा। देयर इज ऑलवेज हिपोक्रेसी इन देयर, क्योंकि सबसे बड़ी हिपोक्रेसी इनकी होती है कि अपने घर में नहीं देखने, दूसरे को देख रहे होते, देखिए तुमसे ये नहीं कर रहे हो, हालांकि खुद के घर में कचरा होगा, दूसरे कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारे घर में कचरा पड़ा हुआ है। दिस इज ऑलवेज द केस ऑफ पाकिस्तानी, आप किसी को भी उठा लो मेरे अलावा। नहीं आज आपने पहना तो जो है ग्रीन कलर वो पाकिस्तान का कलर ही है। वैसे कलर ग्रीन कलर बड़ा मजे की बात है, मैंने मिस पाकिस्तान जब किया ना तो इवनिंग गाउन्स के लिए कलर्स थे, कि लड़कियों ने कलर्स पिक किए थे, भाई मेरा ड्रेस इस कलर का है उस कलर का, मैं सबसे लेट में मैं पहुंची हूँ, यानी लेट डिसाइड किया, तो कहने सिर्फ ग्रीन रह गया पहनने के लिए, और ग्रीन इज नॉट माई फेवरेट कलर एट ऑल, तो मैंने इसी तरह का ब्राइट ग्रीन था, मैंने एक वो जेलो का ड्रेस उससे इंस्पायर होकर वो बनवाया, एंड आई हैड रेड हेयर एट दैट टाइम ना, तो जब मैं देख रही थी स्टेज पे आई, मैं भड़कीली यूं यूं दिख रही थी सबके बीच में, किसी ने ब्लैक पहना है, किसी ने कुछ, मेरा जो था वो, मगर ग्रीन कलर लुक्स रियली गुड ऑन मी अपेरेंटली, मैं जब भी ग्रीन पहनती राइट हूँ बड़ा अच्छा लगता है, इस वजह से नहीं पहना पाकिस्तान की वजह से, मगर ग्रीन एंड वाइट right. दोनों पाकिस्तान के कलर। या और पाकिस्तान पे वापस लौटे तो ये जो कुछ चल रहा है इसमें इमरान खान ने एक विक्टिम कार्ड तो प्ले कर दिया कि मेरी वाइफ जो है बड़ी पर्देदार हैं और उनको वो घर में घुस करके उनको परेशान किया गया, हरासा किया गया और दिस एंड दैट। साथ में इमरान खान की जो लीडरशिप है अभी शिरीन मजारी 5 बार अरेस्ट हो ली है पिछले 3 बार अरेस्ट हो चुकी है पिछले 5 दिन में। मैं तो ये बोल रहा था कि शिरीन जी अपना जेल के पड़ोस में ही घर ले लो ताकि पुलिस को भी ज्यादा दूर ना जाना पड़े और आपको भी ज्यादा दूर ना जाना पड़े। तो इतनी वैसे ही महंगा हुआ अंदर है। या बिल्कुल और अंदर जाने की जो होते ना पूरी एलीट जो है इसकी इमरान खान की पीटीआई की या तो अंदर है या अंडरग्राउंड है, इंक्लूडिंग वो शेख राशिद जो कि शायद अपनी गर्लफ्रेंड्स के बिना रह नहीं पाते, वो भी गायब है। वो भी पता नहीं वो हरीन शाह को छोड़ के गायब है, पता नहीं हरीन शाह कहाँ है और वो कहाँ है, आई हैव नो आइडिया अबाउट। किसी किसी ना किसी गर्लफ्रेंड के ही घर में छिपे हुए होंगे, पल्लू के बीच में, मुझे बचा लो बेबी। राइट अब राइट और ऑफ कोर्स देखें जब क्या करें, सारे चूहों की तरह अपने बिलों में घुसेंगे इस वक्त, राइट, दैट्स हाउ इट इज, अभी जो चीज स्टार्ट हो गई है अब, बट देखिए आगे कहाँ तक जाता है। वैसे तो ये जो बात कर रहे हैं कि हमको हरास किया, हमारे घर में घुस गए, तो भाई आपके लोग, आपके फॉलोअर्स इंग्लैंड में, जिसका कोई लेना देना नहीं आपकी पार्टी से, वहां पे महीनों से या पूरा 1 साल हो गया अब तो, शेफील्ड पे बाहर खड़े होकर जीना आराम कर दिया उन्होंने, सिर्फ पाकिस्तानियों और नवाज शरीफ इन लोगों का नहीं, वो सारे मोहल्ले वालों का, वहां के गोरों का, उनके माँ बाप का सोचो, वहां पे जो बच्चे सो रहे होंगे उनका सोचो, जो शोर कर रहे होते हैं सारा, वो नहीं दिखता आपको, आपकी एक बीवी को परेशान कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई, आप वहां पे कितने लोगों को परेशान कर रहे हो, गोरों की वीडियो देखी, वो ये कह रहे हैं भाई ना पाकिस्तान हमारा ना ये पॉलिटिकल पार्टी हमारी, तुम लोग यहाँ आके भोंकू खड़े हो गए क्यों दे रहे हो,
और प्रॉब्लम यही है ना कि इंग्लैंड ने इजाजत दी हुई। अभी मैं देख रही थी एक वीडियो के, वो पता नहीं किसको अरेस्ट करने के लिए बोला गया था, मगर वहां पे पुलिस बुला ली, पुलिस वाले उन्होंने प्रोटेस्ट करने ही दिया उनको, बिकॉज दैट्स लाइक अ डेमोक्रेसी राइट, मगर प्रोटेस्ट करने दो उनको, दैट्स फाइन, मगर व्हाई वी आर हैविंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट इन अदर कंट्रीज जिनका उनसे लेना देना नहीं है। मेरे घर के सामने इस तरह से वो कर रहा होता, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने तो बाहर ले जाओ इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के ना वहां पे हराम गाने सारे बचाने शुरू कर देने थे, और नंगी औरतें लेकर आती खड़ा कर देती, चलो नाचना शुरू करो, सारे भागते ऐसे कि बस। वही तो चाह रहे थे इमरान खान, इमरान खान आपको जरूर परेशान करेंगे, ये चांस आएगा अब देखो। मौलवी साहब मौलाना साहब भी तो निकल पड़े ना, वो तो छोड़ो सब छोड़ो, मेरे मौलाना आ रहा है, मैंने कहा चलो भाई अब बस बस कर दो, हर कोई है ना, हर किसी की वो चमक रही है इस वक्त, हर कोई एक वो बना हुआ है हीरो बना हुआ है, मैं पाकिस्तान को सेव करूंगा मैं, और एक से एक बदतर है मौलाना साहब, क्या नाम, वो शरिया लाना चाह रहे हैं। चलो हम इमरान खान तो मदीने की रियासत ला रहे थे ना जो भी वो थी, ये तो शरिया लाना चाह रहे हैं, और कैसे चलाएंगे मुल्क को पता ही नहीं, यानी आप सूद के बगैर कैसे चलेंगे हमें पता ही नहीं है, वो चला लेंगे अल्लाह, अल्लाह चलाएगा, अल्लाह में आगे भरोसे है बस। वही फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने स्टेटमेंट दी थी कि एक लौता कंट्री है जो करने के नाम पे बना है, इसे तो अल्लाह ही चलाएगा, को तनख्वाह वो ले रहे हैं, तनख्वाह अल्लाह नहीं ले रहे, तनख्वाह वो ले रहे हैं लेकिन चलाएगा अल्लाह, ये बढ़िया है वैसे, ये अच्छा है। और साथ में ये भी एक मैं देख रहा था कि इस समय सारे के सारे लोग बिजी है, एक आदमी बहुत खुश है, उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि उन्हें कहीं गेट नंबर 4 या राहुल पिंडी में जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां से इंडिकेशन मिल गई कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप हैं, इलेक्शन हो या ना हो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप हैं। अब इस नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप हैं के बीच में क्या बिलावल से आपको उम्मीद है, जिस तरीके के वो लेक्चर देते फिर रहे, मुझे तो रुकता नहीं कुछ भी। आई डोंट थिंक के बिलावल के अंदर वो करिश्मा या वो तब्बड़ जिसे कहते हैं ना है टू बी अ पॉलिटिशियन, बिलावल इज बिलो, वो सॉफ्ट है हमारी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, ना मैं ये कहती हूँ कि जो लोग होते हैं वो ऐसे रूल नहीं कर सकते, आई एम नॉट सेइंग दैट, मगर जो एक करिश्मा होता है जैसे बेनजीर भुट्टो थी, जरदारी में भी नहीं था, बेनजीर वॉज करिश्मेटिक, यू नो हर फादर वॉज करिश्मेटिक, वो एक आपको पॉलिटिशियन लिखता था, मुंह दिखता था, मुंह खोलते थे तो लोग सुनते थे, पहली बार बिलावल द वे ही टॉक्स इज नॉट कॉन्फिडेंस टॉक, लाइक जब मैं सुन रही होती हूँ उसको तो आई जस्ट गो इन टू लाला लैंड, मगर बेनजीर को जो आप सुनते थे तो उसकी स्पीच में एक पावर होती थी, ही डजंट हैव दैट पावर, क्या ये बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि ये लोग सब भाई सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब पीछे बैठते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है तो तुम इतने सालों तक ये रूल करना, फिर हम इससे झगड़ा करेंगे तो फिर ठीक है फिर पावर पलटेगी तो फिर मैं आ जाऊंगा 5 साल के लिए तो फिर तुम वो होगा तो तुम 30 साल के लिए, ये सारा पीछे मिला जुला कर रहे हैं ये काम, हमें लग रहा है कि ये सारे लड़ रहे हैं मगर दे आर ऑल गोइंग टू डिसाइड कि अब बिलावल आएगा चलो ठीक है हम थोड़ी देर के लिए गद्दी छोड़ देते हैं तुम कर लेना मगर फिर अगला हमारी बारी आएगी, दे ऑल डिसाइडेड दिस, ये अभी तक कुछ दिखा है आपको इसी तरह से होता है, ये पहले लड़ रहे होते हैं लड़ रहे होते हैं लड़ फिर एक पावर में आ रहे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं अब हम मिलकर काम कर रहे हैं, दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान की फॉर्मर वाइफ ने किताब लिखी थी इमरान खान पे, उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने इमरान खान की एक फॉर्मर गर्लफ्रेंड जो कि एक्ट्रेस है उनको कॉल किया, मुझे उस एक्ट्रेस का नाम नहीं पता है, और मैं किताब को ही कोट कर रहा हूँ, उसमें बोला और उन्होंने ये बोला कि इमरान खान के बारे में कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे में बात करें क्या जो पाकिस्तान है वो अब उनको दिख गया कि दर्शन छोटे थे या अब भी वो देर रेडी टू ट्राई, यूथियास बहुत ज्यादा है, ऑफकोर्स मास पैकिंग तो है आपके पास। देखिए उस पर मैं ये कहूंगी कि जिसके जितने छोटे होते हैं ना दर्शन वो उतनी ही ज्यादा बात करता है, क्योंकि जिसके पास बड़े बड़े दर्शन होंगे ना उसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही दिख जाएगा, राइट, जैसे जिसके पास पैसा होता है ना, जिस बंदे बहुत ही अमीर होगा ना उसको दिखाने की जरूरत नहीं होगी, जो खानदानी अमीर होगा, मगर जो नया नया अमीर बना होगा या आप देखोगे ना अभी लोगों के पास जिनके पास पैसे नहीं होते ना ज्यादा, वो सबसे ज्यादा ब्रांड नेम के कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, उनके पास सबसे अच्छा फोन होगा, खाने को यानी गाड़ी के लिए पैसे नहीं होंगे, या मैं बहुत दफा ये देखा है क्योंकि आई सी मैन राइट बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां चला रहे होते हैं, और मैं रेस्टोरेंट्स में काम करती थी, बड़ी अच्छी गाड़ी हो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी लेकर आए, जब टिप करने का टाइम होता है तो टिप नहीं निकलती उनसे, क्यों, गाड़ी की किस्से भी तो देनी है ना, अगर एक कोई अमीर बंदा होगा वो नॉर्मल सी गाड़ी में आएगा मगर टिप आपको वो जो है 50% या कितनी परसेंट दे के जाएगा अच्छी खासी,
तो यही बात है कि एम्प्टी वेसल्स यू नो ये वो हैं सिर्फ, ये बोलते रहेंगे नीचे दर्शन में कुछ नहीं है इनके। राइट, दर्शन में कुछ नहीं है। इमरान खान जब हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, तो हो सकता है उस समय तक इमरान खान अरेस्ट हो चुके हों, क्योंकि अरेस्ट होना लाजमी है, ऐसा मेरी खबरें बता रही है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए और जल्दी हो जाना चाहिए, अगले 48 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट हो जाना चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, अनटिल अनलेस कोई कैलेमिटी आए, कोई प्रॉब्लम आए तो। और थैंक्स अ लॉट मेहली जी फॉर ज्वाइनिंग, और ये जो अनफोल्डिंग ड्रामा है, हमें वेरी सून जल्दी ही पता लगेगा कि इसके बाद एक एक हिंसा का या एक वॉयलेंस का दौर और आने वाला है, उस वॉयलेंस के दौर पे भी दोबारा बात कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम, और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।